Good morning, children. Welcome back to our English class. So, just now our topic is, which topic is going on? The topic is going on about the adjectives, means the describing words. I told you previous also what is describing word, what is adjective, what is noun. We have seen activities in the first period also. Afterwards, in the second period of this adjective, we have seen the match the following with the describe words and the noun. And today in our third session, in the fourth session, we will see one activity. Again, today we will see one activity on adjectives. So, are you ready, children? So, let's read what is written here. Come on, read with me. Rohan, G-O-T, got a teddy bear for his birthday. Rohan is a boy and his birthday is there. And for that birthday, he got a teddy bear as a gift. Right? Rohan ko gift mein kya mila hai? Teddy bear. Kyun? Because uska birthday tha. Then find out, circle, find and circle five describing words for the teddy bear bear in the wild green. Okay. आपको वो जो टेडी बियर दिया है वो टेडी बियर के फाइव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स फर्स्ट सी दैट विच आर द कौन से हो सकते हैं. सपोज आई कीप अ बिग टेडी बियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप क्या बोलोगे देख के पहले? बिग टेडी बियर. देन कलर ब्राउन टेडी बियर. देन सॉफ्ट टेडी बियर. सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट टेडी बियर. देन फरी. फर यानी बहुत सारे ऐसे फर, फर जैसे मखमल जैसा होता है. सो फरी टेडी बियर. सी that color brown teddy bear. This type of all describing word we can say. But here in the grid, the describing words are hidden. छुप गए हैं वो कहाँ पे, वो हमको find out करने हैं. तो आपके लिए मैंने एक easy काम कर दिया है. वो easy काम ये है कि मैंने already describing words लिख दिए हुए हैं और जब आपको इसमें से यही देख कर वहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो विच आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द टेडी बियर. कौन सा टेडी बियर? हर एक टेडी बियर की बात नहीं कर रही है, ओनली रोहन का जो बर्थडे गिफ्ट है दैट टेडी बियर आई एम टॉकिंग. दैट वो टेडी बियर कैसा है? बिग टेडी बियर, सॉफ्ट टेडी बियर, फरी टेडी बियर, FURY, फरी टेडी बियर, ब्राउन टेडी बियर एंड फैट, मोटा सा है, फैट टेडी बियर. सो लेट्स फाइंड आउट ऑल दिस वर्ड इन द ग्रिड. चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड वर्ड ग्रिड, राइट? इसको क्या कहते हैं? वर्ड ग्रिड कहते हैं. एंड हियर All the describing words for the teddy bear, Rohan's teddy bear hidden, छुप गए हैं वो हमको find out करने पड़ेंगे. Okay. So first of all, this is the teddy bear of the Rohan. So let's describe. पहला teddy क्या होगा? B-I-G, big. So where is the big? Let's find out the big in the grid. कहीं तो भी छुपा हुआ है. Big is here. Yes, the big is here. Here is the big. B-I-G, big teddy bear. कैसा teddy bear है Rohan का? Teddy bear is a big teddy bear. Then सेकेंड डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसा है? सॉफ्ट. सॉफ्ट वी हैव सीन वहाँ पे लिखा था ना, सॉफ्ट टेडी बियर. सो लेट्स फाइंड आउट सॉफ्ट कहाँ पर है. सॉफ्ट, सो हियर SOFT, सॉफ्ट. सो सॉफ्ट टेडी बियर. व्हाट इज द फर्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द टेडी बियर? बिग टेडी बियर, सॉफ्ट टेडी बियर. सेकेंड वर्ड सॉफ्ट टेडी बियर. देन वर्ड थर्ड वी हैव इट, हमने तीसरा लिखा था फरी. बहुत सारे फर्स होते हैं टेडी बियर. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट फरी. वेयर इज द फरी? FURY, फरी. FURY, फरी. यस, हियर इज द फरी. फरी टेडी बियर. कैसा टेडी बियर है? फरी. सो लेट्स सर्कल ऑन द फरी टेडी बियर. आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक क्रेयॉन्स इन योर हैंड एंड जस्ट सर्कल विद द हेल्प ऑफ द क्रेयॉन. कलरफुल क्रेयॉन से आप उसको सर्कल कर सकते हो, राइट? सो हियर वी हैव सीन थ्री एडजेक्टिव्स और थ्री डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द टेडी बियर. विच आर दे? बिग टेडी बियर, सॉफ्ट टेडी बियर एंड फरी टेडी बियर. लेट्स टेक वन मोर. कौन सा बोला था हमने वहाँ पे? ब्राउन. व्हाट इज द कलर ऑफ द टेडी बियर? ब्राउन टेडी बियर. सो लेट्स फाइंड आउट ब्राउन कहाँ पर है. ब्राउन, बी, ब्राउन इज नॉट हियर. यस, इट इज हियर. ये रहा B-R-O-W-N, brown, right? So, which type of teddy bear? Brown teddy bear. Brown teddy bear. Big teddy bear, brown teddy bear, furry teddy bear.
bear and soft teddy bear. One left, one side left. So that is fat. मोटा मोटा सा है ना? Can you see the fat one? मेरे जैसा है. देखो, see? Yes. So fat. Find out fat. Where is fat? Fat, fat, fat. Empty fat. Empty fat. Empty fat. Yes. Here is a fat. Empty fat. Fat teddy bear. So this all describing what we have find out for the Roman's teddy bear. कौन से देखे? Furry teddy bear, soft teddy bear, brown teddy bear, fat teddy bear and big teddy bear. So this is about the activity. This activity we have done. What you have to do? ये जो circles हमने किए हैं, for that circle you have to take crayons in your hand and colorful crayons of your favorite color and circle it with the colorful crayons. And along with that, draw a beautiful teddy bear, color it brown, okay? ऐसे मस्त अच्छा सा एक teddy bear draw कर लेना and write the question also, okay? So this is about today's only children. We will meet soon in our next class. Till that, bye and have a good day. Thank you. Now see second activity. First activity we have done for the Rohan teddy bear. Now the second activity is given. What is written? Let's read. Color the pictures to match the describing words. Right? आपको ये picture को color करना है. कैसे color करना है? According to the line given here. So let's see what is given. Meera is wearing a yellow dress. कैसा dress पहना है Meera ने? Yellow. So आप क्या करोगे उसके dress को कौन सा color करोगे? You have to color with the yellow color. Okay? Meera का dress कैसा होगा? Yellow. Right? She is wearing brown boots. Can you see the boots? Shoes देख रहे हो ना? So she is wearing brown, but it is given here white. तो आपको क्या करना है इसको? Brown color का करना है. So she is wearing brown boots. Then she is carrying a pink bag. उसके पास में क्या है? Pink color का bag है. Where is the bag? The bag is here on the back of Meera. So कौन सा color करोगे इसको? That one you have to color with the pink. So pink bag. Meera is holding a green book. Meera के हाथ में क्या है? Meera के हाथ में book है. So which color you will do? Here it is given green book. Here it is given pink bag. Brown boot. What is boot? Boot is the noun. And brown is the describing word. Book is the noun. And green is describing word. Bag is a noun. And pink is a describing word. Yellow and dress. Dress is a noun. And yellow is the describing word. So in this way children you have to color the picture according to the information. Then downside what is given? Match the describing words to the pictures. They describe one has been done for you. आपको क्या करना है? Match करना है. Already given see sun, crown, cake, banana and giraffe. And which describing words given? Tasty, three, then tall, hot and golden, right? So let's see, first of all already one is given, tasty cake, right? ये cake है. After that three, what is three? ये three है, ये three है, ये three है, ये three. Bananas are three. So the three bananas, what will we say? Three bananas. After that tall, who is tall? Sun is tall, the crown is tall or the giraffe is tall? So sunny tall is the giraffe. Then hot. क्या होता है hot? Sun is hot or the crown is hot? So sun is hot. And golden color crown, जो हम लोग सर पे ताज पहनते हैं, क्या कलर होगा उसका? Golden, because it is made up of gold. Now let's see activity number 3. आज हम लोग तीसरी activity देखेंगे. Look at these pictures. 1, 2 and 3 pictures are given. देखो picture को. Describe the pictures using describing word. Describing word use करके आपको picture को describe करना है. One has done for you. So the girl is given, face is given and hairs are given. So let's say she has black hair. एक करके दिया हुआ है black hair. Hair is the noun and the describing word is the black. तो hair को कैसे बताया हुआ है? Black hair. Okay. She has a happy face. कैसा फेस है उसका? हैप्पी हैप्पी फेस है. राइट? नाउ सी द नेक्स्ट वन. कैन यू सी हियर अ मैन इज होल्डिंग अम्ब्रेला इन हिज हैंड एंड रेन इज कमिंग. ओके, इट्स रेनिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन. इट इज अ डैश डे.
डैश यानी कैसा डे है, व्हाट इज ईयर रेन है, तो व्हाट वी राइट रेनी डे, आर ए आई एन वाई, रेनी बारिश आ रही है, तो ये डे कैसा डे हुआ, रेनी डे। आफ्टर दैट सेकेंड, द बॉय इज होल्डिंग यानी उसने पकड़ा हुआ है ए डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है तो यू कैन राइट अ बिग अम्ब्रेला, राइट, कैन यू सी अम्ब्रेला बिग है, और यू कैन राइट रेड अम्ब्रेला ऑल्सो, ओके, सो वी विल राइट हियर रेड अम्ब्रेला, द बॉय इज होल्डिंग रेड अम्ब्रेला। देन ही इज वियरिंग बूट, लेट्स सी, ही इज वियरिंग बूट, सो यू कैन राइट फॉर द बूट गम बूट ऑल्सो यू कैन राइट, क्योंकि हम लोग बारिश में क्या पहनते हैं, गम बूट पहनते हैं, और यू कैन राइट ब्लैक बूट, ओके, टू थिंग्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, यू कैन राइट ब्लैक बूट, और यू कैन राइट जी यू एम गम बूट, राइट, दोनों लिख सकते हो। देन थर्ड पिक्चर, कैन यू सी वन स्मॉल प्लांट इज देयर एंड रोजेज बुश एंड वन गर्ल इज स्टैंडिंग, देयर आर डैश रोजेज, सो यू कैन राइट द कलर ऑफ द रोजेज, देयर आर रेड रोजेज यू कैन राइट, और यू कैन राइट, यू कैन काउंट द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोजेज, देयर आर 8 रोजेज, द गर्ल इज वियरिंग अ डैश फ्रॉक, उसने कैसे फ्रॉक पहना है, सो यू कैन राइट शॉर्ट फ्रॉक, यू कैन राइट ब्यूटीफुल फ्रॉक, यू कैन राइट पिंक फ्रॉक, सो हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट पिंक फ्रॉक। So children, this is the third activity today we have seen. So today we have seen 3 activities total and all are the very beautiful activities. So I hope you enjoyed today's session. Now we will meet in our next session. Till that, bye and have a good day. Thank you everyone.